तो आप देखें, फिर मैं वो पहले मुझे आपको वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे। बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा हम तो मुझे आप प्रिस्क्रिप्शन लिखे ना लिखे इसे दवा जरूर दे के जाइएगा। देखा आपने ये बात भाई, बात तो सुनो, बात ही कर रहा हूँ। देखिए आपने कहा हम तोहफों के साथ जिंदा हैं, तो हम भी तो उन तोहफों के साथ जिंदा हैं। ठीक है, वैसे हम सब 30% जहनी मरीज होते हैं। अच्छा मैं एक बात बोल दूं, हमारे मुआशरे में तोप किसी इंटेलिजेंट को कहते हैं, पता बहुत तोप शख्सियत है वो, ऐसी वो 30%। अच्छा मैं कुछ भी कह लूं, आप फ्लैट वो 30% हमें कह रही है, तुम ज्यादा हो। मैं इंसान हूँ, आबादी नहीं हूँ यार। लेकिन anyway, I think it's just, सही है सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। तबीयत ये बताइए, शहरी में क्या खाना चाहिए? फिर वही मुझे प्लीज बता दें, बिकॉज मुझे कभी ये कोड ही नहीं क्रैक हुआ। शहरी में जो दिल चाह रहा है आपका खाने है, हाँ। मैं वही करता हूँ, फिर भी भूख लग जाती है। अच्छा क्या कह रही, प्यास तो अब भी लग रही है यार, मैं आपको बता। जितना सोचेंगे ना उतनी ज्यादा भूख। आपने असल में नहीं, हम पाकिस्तानी हम नहीं सोचते। आपने जिद लगा रखी कि आप दही नहीं खाएंगे, खाने के बारे में नहीं सोचते। आपने जिद की है कि मैं दही नहीं खाऊंगा, तो ये क्या बात है दही खाने से? सर मैंने दही भी खाई है सर, नहीं बुझती प्यास। तो ऑफकोर्स प्यास बुझती तो नहीं है डॉक्टर साहब, बुझती नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बेहतर कंट्रोल रहती है, थोड़ा सा तरी रहती है कुछ। एक माइंडसेट बन चुका है कि दही से, दही खाने से प्यास नहीं लगती, ऐसा नहीं है। नहीं प्यास तो लगेगी, देखिए वो तो नेचुरल एक बॉडी का रिस्पांस है ना, वो तो एक रिस्पांस है, लेकिन थोड़ी कंट्रोल रहती है। वाटर कंटेंट अच्छा जिस चीज़ में होगा उसे कंट्रोल। लेकिन वो रोजा ही क्या जिसमें आपको भूख प्यास महसूस ही ना, रोजे का तो मकसद ही है। वो रोजा ही क्या जिसके अंदर आपको, बिकॉज रोजा इसी डिसिप्लिन का नाम है कि यार आपको लगता है कि अब थोड़ा सा एहसास होता है आपको दूसरों का कि दूसरे किस चीज़ से गुजरते हैं।